नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन एनी। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने शाहजहांपुर में रैली की और रैली के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सपा से अलग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी ये जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक बार जनता उन्हें मौका देकर जरूर देखे। उन्होंने पहले भी जनता के लिए काम किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करती रहेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है और 70 साल राज करने के दौरान उन्होंने जनता के लिए काम किया है। रोजगार को लेकर काम किया, अर्थव्यवस्था, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर काम किया। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताए और कांग्रेस पार्टी जो जो वायदे कर रही है, जो जो ऐलान कर रही है, उनको पूरा करती नजर आएगी। हालांकि अब तो ये वक्त ही तय करेगा कि जनता प्रियंका गांधी की बातों से कितनी सहमत दिख रही है, जनता कितना प्रियंका गांधी को समर्थन कर रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे वो सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीटें निकाल रही है। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निकाल लेती है। अगर ऐसा होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और इसे प्रियंका गांधी की मेहनत ही करार दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।